ओम श्री सतगुरु परमात्मने नमः। आठवां सर्ग। राजा का श्री रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण उनमें युद्ध की अयोग्यता का वर्णन तथा रावण आदि के बल को जानकर राजा के विषाद का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, भरद्वाज, राजश्रेष्ठ दशरथ विश्वामित्र जी के उक्त वचन सुनकर एक क्षण के लिए चित्रलिखित की नाई निश्चेष्ट हो गए और तदनंतर दीन वचन कहने लगे, मुनिवर, कमल नयन श्री राम अभी पूरा 16 वर्ष के भी नहीं हुए। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। प्रभो, यह मेरी एक अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं अधीश्वर हूँ। उसको लेकर मैं ही राक्षसों के साथ युद्ध करूँगा। ये सभी सैनिक शूर वीर पराक्रमशाली और परामर्श देने में दक्ष हैं। मैं समर भूमि में धनुष बाण लेकर समस्त सैनिकों की रक्षा करूंगा। जैसे सिंह मत्त हाथियों के साथ युद्ध करता है, वैसे ही इन शूरवीर सैनिकों के साथ मैं महेंद्र से बलिष्ठ वीरों से भी युद्ध कर सकता हूं। श्री राम बालक है, युद्ध से नितांत अनभिज्ञ है और सेना का बलाबल नहीं जानता। इसने अंतःपुर में क्रीड़ा के लिए कल्पित संग्राम छोड़कर अन्य रणभूमि नहीं देखी है। न यह उत्तम शस्त्रों से युक्त है, न उत्तम अस्त्रों से युक्त है और न युद्ध विद्या में निपुण ही है। समर भूमि में असंख्य शूर वीरों से कैसे युद्ध करना चाहिए, यह भी इससे ज्ञात नहीं है। युद्ध निपुणता तो दूर रही, केवल यह राजकुमारों के साथ पुष्पों से सुशोभित नगरोपवनों में, उद्यान के कुंजों में परिभ्रमण करना तथा भांति भांति के पुष्पों से व्याप्त अपने महल के आंगन में क्रीड़ा करना जानता है। आजकल तो मेरे दुर्भाग्य से हिम से कमल के समान कमल वदन श्री राम अत्यंत कृश और पीला हो गया है। वह अन्न न खा सकता है, न घर में घूम फिर सकता है। हृदयगत दुख से व्याकुल होकर चुपचाप बैठा रहता है। मुनिश्रेष्ठ, उसके कारण मैं, मेरी रानियाँ, मेरे सेवक वर्ग सब के सब शरत काल के मेघ के समान निसार हो गए हैं। शरीर से इतना सुकुमार अवस्था से बालक मेरा बच्चा है, उस पर उसे मानसिक पीड़ा ने जकड़ रखा है। ऐसी परिस्थिति में उसे मैं निशाचरों के साथ लड़ने के लिए आपको कैसे दूं? यदि कहें कि आप तो धर्मलिप्सु हैं, आपको धर्म विरोधी पुत्र स्नेह से क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं, मुनीश्वर, बालांगना के अंग का संग, सुधा रस का सेवन, राज्य का आधिपत्य आदि जितने प्रकार के सुख हैं, उन सब की अपेक्षा में पुत्र स्नेह जनित सुख को अधिक महत्व देता हूँ। अर्थात पूर्वोक्त सुख धर्म के फल हैं, पर वे पुत्र जनित सुख से बढ़कर नहीं हैं। तीनों लोकों में धार्मिक लोग भी दीर्घकाल में सिद्ध होने वाले परिश्रम साध्य क्लेशकारी तपस्या आदि महारंभों को पुत्र स्नेह से ही निसंदेह करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य प्राण धन संपत्ति और स्त्रियों को छोड़ सकते हैं, मगर पुत्र को नहीं छोड़ सकते। यह प्राणियों का स्वभाव है। राक्षस बड़े क्रूर कार्य करने वाले और कूट युद्ध में दक्ष हैं। श्री रामचंद्र उनके साथ युद्ध करें, यह कल्पना ही मेरे लिए अति असहनीय है। मुनिवर, मैं जीने की इच्छा करता हूँ, लेकिन रामचंद्र से क्षण भर के लिए भी वियुक्त होकर मैं जी नहीं सकता। भगवान, मुझे उत्पन्न हुए 9000 वर्षों तक पुत्र की कामना सताती रही। तदुपरांत बड़े कष्ट से मैंने इन 4 बेटों को उत्पन्न किया है। इन चारों में कमल नयन राम सर्वप्रधान है। उसके बिना उसके 3 भाई भी नहीं जी सकेंगे, जिसको ले जाने से अवशिष्ट 3ों का भी मरण अवश्यंभावी है। उस श्रीराम को आप मृत्यु रूप राक्षसों के समीप ले जा रहे हैं, तो चारों पुत्रों से हीन मुझे आप मरा ही जानिए। 4 पुत्रों में से रामचंद्र के ऊपर ही मेरा सर्वाधिक प्रेम है, क्योंकि वह सर्वज्येष्ठ और धर्मात्मा है। इसलिए राम को आप मत ले जाइए। मुने, यदि आपको राक्षसों की सेना का संहार करने की इच्छा हो, तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। हे ब्राह्मण, मुझे या शिशु राम को अथवा मेरे 4 बालकों को कूट युद्ध में विशारद उन राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए और उन दुरात्मा राक्षसों के साथ महारण में कैसे रहना चाहिए, यह भी मुझसे कहिए।
ये राक्षस बड़े बल गर्वित हैं। साक्षात कुबेर का भाई मुनि विश्वा का पुत्र महाबलशाली रावण नामक राक्षस सुना जाता है। वह दुर्बुद्धि यदि आपके यज्ञ में विघ्न करता है तो हम उस दुष्टात्मा के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं। ब्राह्मण, किसी समय किसी समुदाय में विपुल बल और संपत्ति से संपन्न पुरुष भूतों में उदय को प्राप्त होते हैं और काल पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं। इस समय तो हम लोग रावण आदि शत्रुओं के सामने खड़े होने में सर्वथा असमर्थ हैं। यह ईश्वरीय नियम ही है। इसीलिए हे धर्मज्ञ, अनुकंपनीय मेरे पुत्र पर अनुग्रह कीजिए और प्रार्थी के मनोरथ को पूर्ण न कर सकने के कारण अल्प भाग्य वाले मुझ पर भी अनुग्रह कीजिए। आप हमारे परम देव हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, नाग, ये सब रावण से लड़ने के लिए असमर्थ हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। रावण बड़े बलशालियों के बल को भी युद्ध में हर लेता है। उसके साथ संग्राम में लड़ने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। उसके पुत्र इंद्रजनित आदि के साथ हम भी नहीं लड़ सकते। अथवा ऐसे बलशाली रावण का मेरे बच्चे क्या कर सकेंगे। जिस समय मानधाता आदि राजाओं ने जन्म लिया था, यह काल वैसा नहीं है। इस समय सज्जन ही निर्बल हैं। इस समय यह रघुवंशीय बालक अर्थात मैं बुढ़ापे से शिथिल हो गया है। अथवा श्री रामचंद्र बूढ़ों की भांति शिथिल है। अथवा यदि आपके यज्ञ में विघ्न करने वाला असुर श्रेष्ठ मधुपुत्र लवण है तो भी मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा। अथवा यदि यम के सदृश सुंद और उपसुंद के पुत्र मारीच और सुबाहु आपके यज्ञ के विध्वंसक हैं तो भी मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेजूंगा। ब्राह्मण, यदि श्री राम को जबरदस्ती ले जाएंगे तो उस कल्प में मैं आपसे ही मारा जाऊंगा। मरे बिना मैं अपनी निश्चित विजय नहीं देखता हूँ। इत्यादि मधुर वचन कहकर महाराज दशरथ मुनि के अभिमत रामचंद्र जी को भेजने के विषय में और राक्षस वध के विषय में क्रमशः श्री राम को भेजना चाहिए अथवा नहीं और राक्षसों का वध हो सकेगा या नहीं इत्यादि संदेह रूप सागर की बड़ी तरंगों में निमग्न हो क्षणभर के लिए भी निश्चय नहीं कर सके। अतः उस समय उनकी दशा उन्नत तरंगों से युक्त सागर में डूब रहे पुरुष की सी हो रही थी। 8वां सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।